निर्भया केस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां निर्भया के दोषी पवन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। क्यूरेटिव पिटीशन पवन की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें कल के डेथ वारंट को खारिज करने की भी मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पवन की याचिका को खारिज कर दिया है और फांसी की तारीख टालने से भी इनकार कर दिया गया है कि डेथ वारंट की तारीख हम नहीं टालेंगे। लेकिन ये एक बेहद अहम और बड़ा फैसला भी पवन की याचिका के खिलाफ निर्भया मामले में। एहतिशाम हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। एहतिशाम, क्या अब पवन के पास कोई और विकल्प बचता है और कल जो सुबह 6 बजे फांसी दी जानी है निर्भया के चारों दोषियों को, क्या उसमें कुछ रोड़े अभी बाकी हैं? देखिए, उसके पास जितने भी कानूनी विकल्प थे वो आज के बाद खत्म हो गए, और ना सिर्फ पवन बल्कि और जितने बाकी जो 3 दोषी हैं, इन चारों के सारे कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं। लेकिन एक विकल्प पवन के पास अब भी बचता है, वो है दया याचिका का, जो कि राष्ट्रपति के पास वो लगा सकते हैं, और इसीलिए उनकी तरफ से पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, जिसकी सुनवाई अब से थोड़ी देर में होगी या शायद अब शुरू भी हो गई होगी, जिसमें वो मांग करेंगे कि जो कल के लिए फांसी का दिन और वक्त मुकर्रर किया गया था उसे टाल दिया जाए, क्योंकि वो एक क्षमा याचिका राष्ट्रपति के पास लगाना चाहते हैं। तो 2 बार डेथ वारंट टाली गई है, 3रा डेथ वारंट है जिसमें कि कल यानी 3 मार्च की तारीख तय की गई है सुबह 6 बजे की फांसी की, और सुप्रीम कोर्ट में भी अब दोषी पवन की याचिका खारिज हो चुकी है।